बिहार में नई सरकार बनी है और नई सरकार जब से बनी है आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। अब इसे सरकार का दुरुपयोग कहें या फिर कुछ और, लेकिन जो हो रहा है वो सबके सामने है। पिछले दिनों जो पटना में एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद से बक्सर में फौजियों का आक्रोश भड़क गया है। पूर्व सैनिक संघ के लोग हैं, पूर्व सैनिक है यहाँ पे, और सारे सैनिक जो हैं यहाँ पे आक्रोशित हैं और वो जो है लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जो सुरक्षा के दावे करती है, सरकार जो कानून व्यवस्था और सुशासन के दावे करती है, क्या वे दावे अब फेल होने लगे। हमारे साथ पूर्व सैनिक है, क्या लगता है सरकार जो दावे करती रही है अभी क्या दावे अब धीरे धीरे फेल होने लगे क्या? जरूर, ये हम नहीं पूरा बिहार बोल रहा है, और हम सैनिकों के साथ तो कभी वादा सरकार ने पूरा किया ही नहीं। अभी कार्यरत सैनिक जो ड्यूटी पर जा रहा था उसको दिन दहाड़े स्टेशन पहुंचने से पहले ही गोलियों से छलनी कर दिया गया, और अभी तक जो कल्प्रिट है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग सैनिकों में काफ़ी इसको लेकर के क्रोध है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस कल्प्रिट को पकड़ करके और उसके स्पेशल ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उसके आश्रित परिवार को कम से कम 50 लाख की मदद दी जाए और कोई सरकारी नौकरी दी जाए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब वीर सैनिक सीमा पर खड़े होकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं तो हम आज़ादी की सांस ले पाते हैं और सुरक्षित खुद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन जब हमारे देश में सैनिकों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे तो निश्चित रूप से ये विरोध करने की बात होगी ही। क्या लगता है आपको कि जो हुआ है पटना में उस पे किसका दोष है? क्या कहा जाए कि जो लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, जो वर्तमान में विपक्षी कि जंगल राज आ गया, आपको क्या लगता है? जंगल राज की परिभाषा दर्शा तो जरूर रहा है, कारण कि एक यहाँ पर लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की डर ही नहीं, और जहाँ डर नहीं होगा, जहाँ पर सजा नहीं होगा, इसी तरह से हादसे होते रहेंगे, और हमारी बिहार सरकार चुप्पी साधे हुई है। अगर यहाँ पर अपराधियों को अगर कड़ी सजा दी जाती तो यहाँ पर कोई भी हादसा नहीं होता। बिहार आज भारतीय स्तर पर भी बिहार को बदनाम किया जाता है, वाकई में हम भी इसको महसूस कर रहे हैं कि जहाँ पर दिन दहाड़े एक भारतीय सेना के जवान को गोलियों से छलनी किया जाता है, वो जवान जो हमारे पाकिस्तान और चीन और किसी भी देश के गोले और बारूद से नहीं डरता है, और आज उस निहत्थे जवान पर वो देश की एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है। भारतीय सेना का एक जवान देश के लिए बहुत काम कर सकता था, लेकिन आज उसे मार करके उसके परिवार को सड़क पर कर दिया गया। इसका कारण एक ही है, बिहार सरकार निकम्मी है। तो आपने सुना कि जैसे पूर्व सैनिक आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि बिहार सरकार निकम्मी है, बिहार सरकार निकम्मी है अथवा नहीं ये फैसला तो समय पे छोड़ते हैं, लेकिन जो हुआ निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो लोग जो सैनिक सीमाओं पर हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके खड़े रहते हैं उनकी सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के दावे अगर खोखले साबित होते हैं तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए चंद्रकांत निराला।